दुर्ग की निशा ने नेपाल में आयोजित साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश और शहर का नाम रोशन किया है। निशा ने 8 देशों के बीच हुई इस चैंपियनशिप में भारत का परचम लहराया। पहले तो मैं सबसे पहले मैं मेरी जिस फेडरेशन से मैं खेलती हूँ IBBF, उनको सभी को बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सिलेक्शन दिया और मैं उस लेवल पे जाके परफॉर्म कर पाई। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उस प्रतियोगिता में जाके पार्टिसिपेट कर दूँ। वो इंटरनेशनल प्रतियोगिता थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे 8 कंट्री से लोग आए थे, तो बहुत टफ था, अच्छा था कॉम्पिटिशन, बहुत मज़ा आया उस लेवल पे जाके। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने इंडिया मेरे लिए नेशनल एंथम बजा, मतलब बहुत मतलब उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी कि सिर्फ मेरे लिए वो नेशनल एंथम बजा और मैंने अपने इंडिया का फ्लैग अपने हाथ पे होल्ड करके रखा हुआ था। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपनी बेटी पे, क्योंकि ये ना बेटियों को माता पिता इस लेवल उसे खेलने में नहीं जान देते हैं, बेटियों को बेटों से कमजोर समझते और है ना बेटों की बराबरी नहीं कर सकते, ऐसे कैसे बेटी वो। पर आज मेरी बेटी साबित कर रहा है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। हम सब